भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल तो सरफराज खान ने तोड़ दिया 400 साल पुराना रिकॉर्ड। इंग्लैंड की गेंदबाज से लेकर के कप्तान का माथा चकरा गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो बड़े से बड़े घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए, वो इन बल्लेबाजों ने कर दिखाया। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि यहां पर ऐतिहासिक पारी खेल डाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रोहित शर्मा ने 100 नहीं 200 नहीं बल्कि यहां पर 400 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसको देखकर आपका भी दिल एक बार गदगद हो जाएगा और आप भी इन बल्लेबाजों को दिल से सलाम और सल्यूट करेंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो हाईलाइट दिखाने वाला हूं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले में किस तरीके से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल तो वहीं सरफराज खान ने बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आपको सब कुछ हाईलाइट दिखाने वाला हूं। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब पांचवें टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीती, जहां पर टॉस की बाजी जीतने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर गए। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को गेंदबाजी का न्योता दे दिया। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जैसे ही हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे, मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार कवर ड्राइव, 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए तो वही जायसवाल ने दूसरे ओवर में शानदार तरीके से 1 चौका और 1 छक्का ठोक दिया। काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा, इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज का माथा चकरा गया जब यहां पर रोहित शर्मा ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही 21 साल का होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाला है। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर दोनों बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के बल्लेबाजों का सामना कैसे करें। तो वहीं रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रोहित शर्मा को पहले टेस्ट की हार का बदला और 4थे टेस्ट मुकाबले के 2रे इनिंग में 2 रन बनाकर के आउट हो गए थे, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा कूद रहे फुदक रहे थे रोहित शर्मा को आउट करने के बाद। रोहित शर्मा ने सभी बल्लेबाजों की हेकड़ी निकाल के रख दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, 4थे टेस्ट मुकाबले के बाद 5वां टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे, क्योंकि 5वां टेस्ट मुकाबले जीतने के लिए उन्होंने जी जान तोड़ मेहनत की, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 28वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों का माथा चक्कर खाने लगा, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को 39वें ओवर की 6ठी बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया। 39वें ओवर की 6ठी बॉल पर जब पर 105 रन बनाकर के आउट हुए घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए, मैदान पर सनसनी सी छा गई। जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए, मैदान पर सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हां, ये वही सुमन गिल है जिन्होंने 4था टेस्ट मुकाबला अपनी दम पर भारतीय टीम को जिताया था। सुमन गिल एक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करता है। सुमन गिल ने अपना काफी बेहतरीन तरीके से पहले टेस्ट मुकाबले से कमबैक किया था और 4था टेस्ट मुकाबला सुमन गिल ने भारतीय टीम को अपनी दम पर जिताया था। आप सभी को बता कि सुमन गिल ने 5वें टेस्ट मुकाबले में आते ही चौके से शुरुआत की और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में सुमन गिल बल्लेबाजी करने लगे। सुमन गिल ने मैदान पर उतरते ही छक्के से शुरुआत की और 45वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सुमन गिल भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। सुमन गिल ने यहां पर आप सभी को बता दें कि 48वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव, 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। सुमन गिल काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोरे थे। तो वहीं रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का माथा चकरा गया। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सुमन गिल ने भी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और अंग्रेजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी को बता दें कि सुमन गिल ने यहां पर 55वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के फिर एक साथ जड़ दिए। आप सभी को बता दें कि
घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का तो तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्ला चल ही रहा था। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लग गया जब महज 41 रन ठोक करके शुभमन गिल आउट हो गए। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब 68वें ओवर की 6ठी बॉल पर शुभमन गिल 41 रन ठोक करके आउट हुए तो वहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर जो बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आया उसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर दी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि सरफराज खान है। हालांकि सरफराज खान चौथा टेस्ट मुकाबला जो है खेल नहीं पाए थे पूरी तरीके से और 0 रन पर आउट हो गए थे, जहां पर काफी ज्यादा वो भावुक हो गए थे। लेकिन इस बल्लेबाज ने 5वें टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। सरफराज खान की जब आप बल्लेबाजी देखेंगे तो शायद आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरफराज खान ने यहाँ पर 71वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सरफराज खान काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धोने लगे। सरफराज खान तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान रहे। इस बल्लेबाज ने चौथे टेस्ट मुकाबले में 0 रन बनाए थे लेकिन 5वें टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक अंदाज से 81वीं ओवर के 6 गेंदों पर लगातार 4 चौके और शानदार 2 छक्के जड़ दिए। काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से इस बल्लेबाज ने मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। लेकिन वहीं कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर था। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तानों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया रोहित शर्मा को आउट करने के लिए। लेकिन रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। रोहित शर्मा धीरे धीरे 90 ओवर तक जाते जाते यहां पर 280 रन ठोक चुके थे और अभी भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। लेकिन जैसे ही सरफराज खान आउट हुआ वैसे ही मैदान पर रविंद्र जडेजा का भी तूफान देखने को मिला। सरफराज खान के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हाँ, वही रविंद्र जडेजा जिन्हें पहले टेस्ट मुकाबले में 86 और दूसरे टेस्ट मुकाबले में 102 और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी शतकीय पारी खेली थी। इस बल्लेबाज ने 5वें टेस्ट मुकाबले में भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, विराट कोहली के बाद जब ऑलराउंडर की बात हम करें तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है। गेंदबाजी से लेकर के बल्लेबाजी और फील्डिंग से लेकर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से 100% बंदा प्योर है। आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। रविंद्र जडेजा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाने लगे, जहां पर 95 ओवर की 6 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने 2 चौके और शानदार 2 छक्के ठोक दिए। जडेजा काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और जडेजा की बल्लेबाजी भी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में अभी भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धो रहे थे। रोहित शर्मा को आउट करने के लिए इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर आ रहे थे लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी तरीके से चल रहा था। लेकिन रविंद्र जडेजा जब 51 रन बनाने के बाद आउट हुए तो उसके बाद सरफराज खान का तूफान देखने को मिला। सरफराज खान ने 5वें टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां, ये वही सरफराज खान है जिन्होंने अपनी दम पर चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को जिताया था। जी हां, चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे इनिंग में 90 रन ठोक करके और चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन 35 रन ठोक के भारतीय टीम को इस बल्लेबाज चौथा टेस्ट मुकाबला जिताया था। और 5वें टेस्ट मुकाबले में भी इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। 5वें टेस्ट मुकाबले में इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इसके सामने पानी भरते हुए नजर आए। आप सभी को बता दें कि यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब रोहित शर्मा भी आउट हो गए तो कुलदीप यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी देर तक कहर बरसाया और कुलदीप यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 31 रन ठोक दिए, जहां पर उसके बाद बुमराह ने 14 रन बनाए, रविचंद्र अश्विन ने 51 रनों की पारी खेली और यहां पर जो रविचंद्र अश्विन, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की। जहां पर भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला है, वो 7 मार्च को खेला जाएगा। आप लोग इस तरह से दुआएं कामनाएं बनाए रखिए कि हमारी भारतीय टीम 5वां टेस्ट मुकाबला जीते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।